मानसून की पहली बारिश से क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर। आपको बता दें कि प्रदेश में मानसून की ही बारिश की शुरुआत हो गई है, जिसके चलते आज रामनगर में भी पहली बारिश से क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। बताते देख चले कि प्रदेश में कोविड और अन्य बीमारियों ने अपने पैर पसार रखे हैं। वही जानकारों का कहना है कि मानसून की बारिश से कई बीमारियों से राहत मिलती है और किसानों द्वारा उगाई गई फसलों को फायदा पहुँचता है। कोविड के चलते देश में कई फसलों को नहीं उगाया जा सका है, जिसकी वजह से महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। अनाज और खाद्यान्न महंगे हो गए हैं। वही सरकार ने कोविड के चलते लॉकडाउन में धीरे धीरे छूट दी जा रही है। वही इस मॉनसून से हर वर्ग के लोगों को इस बारिश से फायदा होगा। ब्यूरो चीफ नाजिम कुरैशी की एक खास रिपोर्ट है। मानसून की पहली बारिश हुई है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप इसको और इससे मानसून की बारिश से क्या क्या फायदा होंगे? आज रामनगर नैनीताल उत्तराखंड के अंदर मानसून की पहली बारिश हुई है, जबकि मानसून 15 जून को आ जाता है। आज 18 जून हो चुकी है और ये वर्षा रात से ही हो रही है और इस वर्षा से लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है, क्योंकि कई दिनों से गर्मी का माहौल बना हुआ था और इससे किसानों को भी राहत मिलेगी और ये कोविड के चलते हुए जितनी भी बीमारियां पनप रही हैं उसमें भी थोड़ा सुकून मिलेगा। इस बारिश को देखते हुए यहाँ की आम जनता में खुशी का माहौल बना हुआ है। जिस हिसाब से बारिश पड़ रही है लगता है कि ये बरसात लगातार ही पड़ेगी, आज भी हो सकती है, कल तक भी हो सकती है। जिस हिसाब से ये बारिश पड़ रही है उस हिसाब से मार्केट में भी लोगों का आवागमन बहुत अधिक है, क्योंकि लोग बाग इस वर्षा से खुश होकर इस वर्षा का नज़ारा लेना चाह रहे हैं और ये वर्षा जो है अभी एक दो दिन तक लगता है कि लगातार होगी।